तो आज हम लोग जानेंगे डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जाना था क्या चीज़ के बारे में, मीडिया के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सा डिवाइसेस हैं, से क्या काम है, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, बाकी सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है क्या चीज़, डिवाइस, ठीक है। तो डिवाइस में आपको फर्स्ट आता है क्या चीज़, मीडिया। अब मीडिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक कंप्यूटर है और ये हमारा सेकेंड दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। इसको ले चलते हैं हम आपको MS पेंट में, तब समझ में आएगा। तो देखिए, एक मेरा ये कंप्यूटर है और सेकेंड कंप्यूटर जो है ये वाला है, ठीक है। यानी कि दो कंप्यूटर में लगाया हुआ है, बीच में ये जो लगा हुआ है ये केबल्स लगा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल में आपको बताया थे पिछले क्लास में कि इसका जो रेंज होता है डाटा ट्रांसफ़र करने का वो होता है 100 मीटर, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, इसके बीच का डिस्टेंस रखा है 200 मीटर। तो क्या ये दोनों मतलब कम्युनिकेट कर पाएगा, अब इसलिए नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमारा एक डिवाइस आता है रिपीटर। रिपीटर ये होता है, अब रिपीटर का काम क्या होता है, बस रिपीटर का काम यही होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्पीड जो है स्लो हो जाता है या रुक जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिपीटर डिवाइस जो होता है उसको हम लोग लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि जो डाटा मेरा आ रहा था, जहाँ पे मेरा डाटा ख़त्म हो गया था, मतलब जितना उसका कैपेसिटी था तार का, मतलब जो केबल का, तो वहाँ पे वो केबल का जो कैपेसिटी ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिपीटर लगा देते हैं। लेकिन फिर से वो क्या काम करता है, जो मतलब डाटा रहता है उसको रीजनरेट कर देता है, और फिर से जो है रिपीटर 100 मीटर की दूरी पर फिर से उसे फैला देता है, ठीक है। तो राइट नाउ यहाँ पर आपको मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जो कि वायरलेस में आपको दिखाया था यहाँ पे, इसको भी हम ले चलते हैं। देखिए, इस केस में क्या होता है, एक हमारा AP डिवाइस है, एक्सेस पॉइंट, ठीक है, जो कि इसका रेंज है मान लीजिए कि 100 मीटर कवर करने का, और कोई कंप्यूटर जो है यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर इस कंप्यूटर से ये कनेक्ट कैसे होगा। मान लीजिए कि हम वाईफाई से वायरलेस मतलब फ्रीक्वेंसी पर मतलब क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जो है यहाँ से कनेक्ट कैसे होगा, तो इसका वही उपाय है, इसके बीच में एक क्या करेंगे हम, रिपीटर लगा देंगे, ठीक है। तो रिपीटर क्या काम करेगा, जो उसका डाटा है यानी कि जो इसके मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसको क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा। रीजनरेट मतलब फिर उसी स्पीड से 100 मीटर की दूरी पे वो फिर से फैला देगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या किया, फिर से इसे घुमा दिया। अब घुमाने का मतलब मैं मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कंप्यूटर है तो क्या हुआ, इसके दायरे में आ गया रिपीटर के, और रिपीटर ले आके इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो वही रिपीटर का काम क्या होता है, केवल जो है मतलब जो भी डाटा होता है उसको रीजनरेट करना, ठीक है, यानी कि उसको फिर से रिपीट कर देना, ऐसे बोले तो ये हमारा होता है रिपीटर, ठीक है। फिलहाल हम कहाँ थे, अच्छा ओ हाँ यहाँ से, तो इस चित्र में भी वही किया गया है, आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो कंप्यूटर हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर, ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसका रेंज होता है 100 मीटर। तो ये क्या करता है, 100 मीटर तक डाटा को ले जाता है, फिर उसके बीच में एक डिवाइस हम लगा देते हैं रिपीटर, जो कि हमारे 100 मीटर और डाटा जो होता है उसको भी वो रीजनरेट करता है, जिससे कि हमारे दोनों कंप्यूटर जो हैं वर्किंग में आ जाते हैं। और जो रिपीटर होता है वो L1 यानी कि L1 का जो है डिवाइस होता है, फिजिकल लेयर का, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है NIC, ठीक है, जो कि हमारा एक डिवाइस है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी NIC क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है यूज टू कनेक्ट विथ नेटवर्क या नोड्स,
नोट्स करने का मतलब कोई भी कंप्यूटर कोई भी डिवाइस जो आपस में कनेक्ट हो सके, जैसे कि लाइक मोबाइल हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब आपका नोट्स होता है। तो यू टू कनेक्ट विद नेटवर्क, यानी कि क्या करते हैं इसका यूज हम करते हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो है एल टू डिवाइस है, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे देखिए एल टू का मतलब होता है फिजिकल लेयर, सॉरी डाटा लिंक लेयर, ठीक है। यानी कि ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर होते हैं उसमें का यहाँ पे ये दिखाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैक एड्रेस अवेलेबल विद रोम, यानी कि इसमें जो क्या होता है एक मैक एड्रेस रहता है जो कि उसके चिप जो होता है रोम उसमें क्या होता है लगा रहता है मैक एड्रेस, ठीक है। अब इसका जो है स्पीड का जो एनआईसी का स्पीड होता है वो सिंपली ऑटो रहता है, लेकिन उसे जो है हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लाइक 10 मीटर 10 MB/s, 100 MB/s, 1 Gbps/s भी हम उसका स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डाटा ट्रांसफर करने का स्पीड ये हमारा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ट्रांसमीटर मोड, अब ये कौन कौन सा मोड में काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर मोड सिंपली हमारा होता है 3 मोड होता है, एक होता है सिंप्लेक्स होता है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक जो होता है यहाँ पे कौन सा होता है फुल डुप्लेक्स। अब ये सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे कहने का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे ये 2 कंप्यूटर लगा हुआ है, इसको देखिए यहाँ पे यह हमारा जो है क्या हुआ है, यहाँ पे 2 कंप्यूटर लगा हुआ है, एक कंप्यूटर यह है और दूसरा कंप्यूटर हमारा यह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या किया, इसमें अगर हम सिंप्लेक्स लगाते हैं तो इसमें जो है डाटा जो है ओनली फॉर एक तरफ से जो होगा ट्रांसफर होगा, जैसे मान लीजिए कि हम जो डाटा ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो एक ही तरफ से हो पाएगा, उधर से वो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं रेडियो, जो हमारा रेडियो होता है वो हमारा सिंप्लेक्स पे काम करता है, क्योंकि जो भी रेडियो का प्रकाशन वाला होता है केवल वो डाटा हमारे पास सेंड करता है, यानी कि हम उसको केवल सुनते हैं, गाने हो गए या जो भी होता है वो हम केवल सुनते हैं, हम उसको फिर से यहाँ से मतलब क्या कर सकते हैं उसको मतलब वॉइस या कुछ भी सेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है केवल हम वन साइड से मतलब जो भी मैसेज आता है डाटा आता है उसको केवल रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है सोर्स, मतलब सोर्स होता है जहाँ से हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, और ये होता है रिसीव मतलब जहाँ पे हम रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीज़, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में होता क्या है कि सोर्स यानी कि जो सोर्स होता है वो यहाँ पे रिसीवर पास मतलब पहले डाटा सेंड करता है, ठीक है, मतलब वन टाइम में, जैसे मान लीजिए कि एक टाइम में हम जो है कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो है डाटा ट्रांसफर किया, यानी कि कंप्यूटर वन से कंप्यूटर बी तक हमारा ये डाटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो गया यानी कि डाटा पूरा चलाया, उसके बाद फिर क्या करता है ये हमारा डाटा सेंड कर सकता है, यानी कि डाटा दोनों ओर से जा सकता है बस, लेकिन वो जो है कंप्लीट होने के बाद है, यहाँ से जो एक क्रिया हो रही है वो क्रिया यानी कि वो जो है कार्य हमारा संपन्न होगा, तब जाके फिर से हमारा ये दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। लाइक इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वेकी टॉकी जो होता है बात करने वाला, तो उसमें क्या होता है जब तक फर्स्ट पर्सन यानी कि 2 पर्सन के पास अगर वेकी टॉकी है तो फर्स्ट पर्सन अगर जब तक वो मतलब जो भी अपना बात कर रहा है वो खत्म नहीं करेगा यहाँ से वो साउंड नहीं जाएगा, तो फिर वो कॉल लेगा तो फिर ये दूसरा पर्सन जो है अपना जो भी मतलब बात करना चाहे तो वो करता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें हम एक समय में दो दो काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डाटा इधर से सेंड भी कर सकते हैं और इधर से रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही समय में हम दो काम कर सकते हैं, तो इसमें होता है ये हमारा होता है फुल डुप्लेक्स। इसका एग्जाम्पल आप बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल से क्या करते हैं हम किसी भी बात को सुन भी सकते हैं और फिर उसको उसी टाइम एट ए टाइम मतलब क्या कर सकते हैं सेंड भी कर सकते हैं, तो ये हमारा होता है डुप्लेक्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे
ट्रांसमिशन मोड होता है। जैसे यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि सिंप्लेक्स में, जैसे मान लीजिए कि 100 Mbps मतलब 100 MB का डाटा हम जो है पर सेकेंड में सेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक ही समय से, तो हमारा सिंप्लेक्स होता है। और यहाँ पे जो है हम अगर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं 100 MB/s से अगर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जो है 100 MB/s से ही जाता है, तो ये हमारा सिंप्लेक्स में होता है। हाफ डुप्लेक्स में भी सेम होता है, 100 MB अगर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं 100 MB/s के, तो ये 100 MB/s से यहाँ पहले जाएगा, फिर यहाँ से 100 MB/s से आएगा, यानी कि इसमें भी आपको हो रहा है 100 Mbps/s जो कि हाफ डुप्लेक्स में होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको फुल डुप्लेक्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो डाटा जा रहा है वो 100 Mbps से जा रहा है और फिर 100 Mbps से आ भी रहा है, क्योंकि एक ही समय में एट ए टाइम दो काम हो रहा है ना, तो इसलिए तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स है वो भी 100 Mbps भेज रहा है और जो यहाँ पे रिसीवर है वो भी 100 Mbps की हाई स्पीड से आपको क्या कर रहा है, डाटा ट्रांसफर कर रहा है, तो यह हमारा फुल डुप्लेक्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है LED, ठीक है। NIC में जो होता है एक LED होता है, मतलब जैसे कि आप जो है CPU जो बड़ा बॉक्स होता है CPU, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कार्ड लगा रहता है जैसे इंटरनेट कार्ड लगता है, ठीक है, तो हमारा NIC पे लगता है, तो उसमें हमारा एक LIT मतलब LED जलता है, जो कि पता नहीं आप ध्यान दिए कि नहीं, ठीक है, लेकिन ध्यान दिए होंगे। तो पहले जो क्या करता था, यहाँ पे 3 लाइट जलती थी, ACT पावर LED और सिंक, ठीक है। ACT मतलब एक जो है येल्लो लाइट जलती है, और LED जो होता है रेड लाइट जलती है, और ये जो सिंक होता है जब भी हम कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या मतलब डाटा लेते हैं तो क्या होता है, बुक बाय करता रहता है, यानी कि सिंकिंग करना रहता है, ठीक है। लेकिन अभी जो न्यू में आ गया है उसमें दो ही आपको कलर मिलेगा, एक जो है रेड LED और सेकेंड जो है सिंक, ठीक है, यानी कि SYN ये होता है उसका, ठीक है। तो LED में क्या होता है कि रेड लाइट जलता है और जब सिंक करने लगता है तो वही लाइट आपका जो होता है बुक बाय करने लगता है, अप डाउन, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं अपनी भाषा में। अब यहाँ पे आता है NIC भी बहुत तरीक़े से आता है, लेकिन अगर आप जो है और NIC खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे अगर लेते हैं NIC विथ PXE, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा ISO इमेज इंस्टॉल लिखा हुआ, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सर्वर है, ठीक है, अगर सर्वर से हम अपने सिस्टम यानी कि जो भी लैपटॉप हो या PC हो उसको अगर बूट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि सर्वर पे हमारा जो है ISO इमेज रखा हुआ है, यानी कि विंडोज 7, 10 जो भी है रखा हुआ है, अभी आप क्या करते हैं किसी भी अपने कंप्यूटर या PC को बूट कराना हो, ठीक है, तो कोई पेन ड्राइव का यूज करते हैं या कोई CD लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सर्वर से बूट कराना हो, सर्वर पे हमारा अपना जो है बूटेबल जो है मतलब ISO इमेज रखा हुआ है बूट, और उससे आप अपने सिस्टम को बूट कराना चाहते हैं, तो नॉर्मल अगर NIC होगा तो आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने उस सिस्टम को बूट नहीं करा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जो NIC कार्ड अगर खरीदने जाते हैं तो आप लेते हैं NIC विद PXE, क्योंकि आपके जो NIC कार्ड लीजिएगा उस पर लिखा रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है, उस कार्ड पे आपको लिखा रहेगा NIC विद PXE, ठीक है। तो अगर उस कार्ड पे लिखा रहता है और उस कार्ड को आप लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आप भी अगर सर्वर से भी चाहें तो अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, बूट करा सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा आता है, कॉस्टली आता है, तो ये होता है हमारा डिवाइसेस। जैसे आज हमने पढ़ा था कौन कौन डिवाइस, मीडिया, रिपीटर और NIC, तो आई होप कि आपको इस तीनों डिवाइस में मतलब कोई भी परेशानी नहीं आई होगी समझने में। अगर फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।